कल हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कल का होगा वो होगा नोज। नोज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे नेजल चैम्बर में कौन कौन से फंक्शन होते हैं और यहाँ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इसमें स्पेशल बात होती है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे कल। ओके तो बच्चों आज चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज नेसेसरी, यानी कि रेस्पिरेशन जो चैप्टर का नाम है, रेस्पिरेशन हमारे लिए जरूरी क्यों है, यदि रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या हमको कोई परेशानी है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल का इंजेशन करते हैं, यानी कि हमने भोजन लिया, भोजन को हमने खाया। ठीक है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, डाइजेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है और यहाँ यही सब डाइजेशन में यही सारी चीजें हुई हैं और उसके बाद का हम स्टेप जो होता है वो है रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो हमने फूड मटेरियल का इंजेशन किया, यानी कि भोजन को सबसे पहले हमने खाया, खाने के बाद क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ शरीर के अंदर, डाइजेशन के बाद क्या हुआ, वो फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हो चुका है, यानी कि डाइजेस्टेड जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, डाइजेस्टेड जो हमारे सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे, उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंच गए ब्लड में, ब्लड में पहुंचने के बाद ब्लड उनको ले जाकर के सेल के अंदर पहुंचा देता है, इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। तो वो चीजें सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंच गए सेल में, सेल में जाने के बाद अब मतलब कि साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स है, नाउ न्यूट्रिएंट्स इज अवेलेबल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में अब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ गए, अब जो न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में आते हैं उन न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा जाता है और तोड़ करके उससे एनर्जी निकाली जाती है, जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है, और इस एनर्जी का यूज करते हैं हम जिंदा रहने के लिए। हमारे जो सेल होते हैं उनको एनर्जी चाहिए ताकि वो ठीक ढंग से काम कर सके, और पूरा शरीर एक एक पूरा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है, तो यानी कि पूरे शरीर को हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होता है कि वो ढंग से परफॉर्म कर सके और हर एक सेल हेल्दी रह सके। एक सेल हेल्दी रहेगा तो टिश्यू हेल्दी रहेगा, ऑर्गन हेल्दी रहेगा, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, तो हम जिंदा रह सके इसके लिए जरूरी होता है हमारे को एनर्जी। ठीक है ना, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी हमको कहां से मिला, वो एनर्जी हमको मिला फूड मटेरियल से। ठीक है, लेकिन वो फूड मटेरियल टूटा, इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, जो न्यूट्रिएंट्स टूटे हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। यानी कि अगर फूड मटेरियल टूटता नहीं है, ठीक है, तो हमको एनर्जी कहां से मिलेगी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल केवल हम जिंदा रहने में ही नहीं करते हैं बल्कि बॉडी का हर एक फंक्शन, है ना, हम कोई भी इंटरनल फंक्शन होता है या फिर हम बाहर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, हर एक फंक्शन में के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमको कहां से मिल रहा है, फूड मटेरियल के ब्रेकडाउन से मिल रहा है। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस ये जो हुआ, डाइजेशन जो हमने खाना खाया, आपको लगता है कि खाना खा लिया एनर्जी मिला, बिल्कुल नहीं मिला, बल्कि एनर्जी लॉस हो रहा है। जब हम खाना खाते हैं और उसका जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, और इस प्रोसेस में एनर्जी जो हमारे शरीर में पहले से एनर्जी जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको खर्च करके डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। यानी कि आपने खाना खाया और भोजन पच रहा है, उसमें आपको एनर्जी मिल नहीं रही है बल्कि आपकी एनर्जी और लॉस हो रही है। एनर्जी कब मिलेगी, जब ये न्यूट्रिएंट्स है ना, डाइजेशन हो गया और ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स जब टूटेंगे तब जाकर के हमको एनर्जी मिलेगा, और न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना ही कहलाता है रेस्पिरेशन। यानी कि जो हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद ही हमको एनर्जी मिलेगा। तो हमको खाना खाने का कोई भी फायदा नहीं होगा यदि रेस्पिरेशन नहीं हुआ, यदि उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके एनर्जी नहीं निकाली गई, तो हमने जो खाना खाया है ना, हम लॉस में जाएंगे। हमने खाना खाया और एनर्जी बल्कि हमने खर्च किया, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में, और हमको मिला तो कुछ भी नहीं। तो जो डाइजेस्ट करने के बाद हमको उसको तोड़ करके अगर हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के एनर्जी चाहिए, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जरूरी है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, ताकि हमको एनर्जी मिल सके। ठीक है, जो हमने खाना खाया है उसका भी हमको फायदा मिल सके, एनर्जी मिल सके, और एनर्जी का इस्तेमाल हम अपने हर एक एक्टिविटीज में और जिंदा रहने के लिए कर सके, इसके लिए रेस्पिरेशन जरूरी होता है। फॉर रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हुआ कि एनर्जी को तोड़ा गया, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से ये बस सेल के अंदर पहुंचा और इसको तोड़ दिया गया, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स आ गए सेल के अंदर, अब उनको तोड़ दो और तोड़ के एनर्जी निकाल लो, ऐसे नहीं होता है ना। इसको तोड़ने के लिए भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और उस चीज को अंदर तक पहुंचाने के लिए भी पूरा एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि पूरी एक मशीन होती है जो कि ये काम करेगी। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए भी पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है।
ठीक है। तो फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए यानी कि फूड मटेरियल को तोड़ने के लिए पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ये सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से मिलकर के बना होता है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन होंगे जो एक दूसरे पर डिपेंड होंगे और ये सब मिल करके एक साथ काम करेंगे, इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से अगर किसी एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो दूसरा का काम जो है, जो सेकेंड होगा ऑर्गन, उसका काम इफेक्ट होगा, ठीक है, जैसे इफेक्टेड होगा। जैसे हमारा नोज है, अब अगर हमने यहाँ से सांस लेना ही बंद कर दिया तो नोज के बाद आगे के सारे टैग जितने भी पूरा रेस्पिरेटर सिस्टम के जो दूसरे ऑर्गन है, सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिल करके काम करेंगे, ठीक है। तुम पहले ये करना, फिर तुम ये करना, ठीक है, फिर तुम मुझे ये देना, फिर मैं वहां पहुंचाऊंगा, फिर वहां करूंगा, ठीक है, फिर यहां होगा, तो ये सब मिल करके काम करते हैं। अगर इसमें से किसी एक ने काम करना अगर बंद कर दिया, नोज ने अगर काम करना बंद कर दिया तो आगे तक का सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक है, और इंसान की मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सिस्टम वो होता है जिसमें सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है किससे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बनता है, क्लियर। अब देखिए, रेस्पिरेशन करने के लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, इसके इनके पास बहुत ही स्पेशल कुछ कैरेक्टर होता है। अगर वो स्पेशल कैरेक्टर इनके पास नहीं होगा तो ये रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। रेस्पिरेशन करना कोई इतना आसान नहीं है कि फूड मटेरियल को हमने तोड़ दिया, तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हमारे शरीर को किसी की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस ऑक्सीजन को इस फूड मटेरियल के पास जहां भोजन अवेलेबल है, यानी कि साइटोप्लाज्म में भी ऑक्सीजन को भी पहुंचाना पड़ेगा और ये भी एक लंबा प्रोसेस होगा और उस लंबे प्रोसेस को अंजाम कौन देंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलकर के अंजाम देते हैं और बाहर से ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होता है, ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ऑक्सीजन को अंदर पहुंचा दिया गया, ठीक है। जैसे हमारा ये फेस है, यहीं से ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाए, ठीक है ना, यहां से ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाए, ठीक है, हमारे यहां से ऑक्सीजन एंटर कर जाए, हमारे हाथ से ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा सेल के अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है कि यहीं से ऑक्सीजन जो है होते होते और जहां पहुंचना है यानी कि सेल तक पहुंचना है तो वो सेल तक पहुंचेगा, ठीक है। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? देखिए, पहला कि जो सरफेस एरिया इसका क्या होना चाहिए? लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है ना। जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनका सरफेस एरिया मतलब एरिया उनको ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा एरिया चाहिए ताकि वो क्या कर सके। लार्ज अगर सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकते होंगे? वो जो टू गेट एनफ ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को वो ले सकते हैं, है ना। तो पहला कैरेक्टर होना चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास कि उनका सरफेस एरिया बड़ा हो, ठीक है, एरिया बड़ा चाहिए उनको, छोटी जगह में लेकिन एरिया बड़ा हो। इसके लिए क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको फोल्ड, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें बनाने पड़ेंगे ऐसे ऐसे फोल्डेड। आप देखेंगे अभी लंग्स में किस तरीके से एरिया को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो लंग्स में बहुत बड़ा एरिया बनाया गया है यानी कि सरफेस एरिया ज्यादा किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या किया जा सके, एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए फूड मटेरियल को तोड़ने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज कि इनका वॉल जो होता है ना वो थिन होना चाहिए, है ना, जो मतलब जहां गैस यहां पर है, ठीक है, यहां पर गैस अवेलेबल है। देखो, सबसे पहले तो सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए ताकि इसमें जो गैस होगा ना, इसमें जो ऑक्सीजन है, यहां पर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, इस ऑक्सीजन को जो यहां पर O2 अवेलेबल होगा, बहुत सारे ऑक्सीजन जो यहां पर अवेलेबल होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को यहां से अंदर खींचा जा सके, ठीक है ना। तो इसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ये ले लेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ये सेल के पास पहुंचा देंगे और ज्यादा से ज्यादा फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन होगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनेगी और ज्यादा एनर्जी बनेगी तो हम भी एक्टिव ढंग से अपना काम कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? ऑक्सीजन को ज्यादा लेने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होता है। दूसरी बात कि ये वॉल जो है ना वो थिन होनी चाहिए, है ना, इनके और यहीं पर क्या होता है? ब्लड, ठीक है, यहाँ पे पूरा चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे घिरा होता है, यहाँ पे पूरा ब्लड कैपिलरीज ये घिरे हुए हैं। तो ये जो वॉल है, जो ये वॉल है जहां पर गैस है और जो ये ब्लड कैपिलरीज है ना, तो ब्लड कैपिलरीज और ये जो वॉल है ये दोनों क्या होते हैं? काफी पतले होने चाहिए, थिन होने चाहिए ताकि गैस को यहां से और ब्लड में जाने में, देखिए ये O2 कहां जाएगा, ये यहां जा रहा है, तो O2 को यहां जाने में कोई परेशानी ना हो। ये वॉल जो होगी वो क्या होनी चाहिए? काफी थिन होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट चुप। तो बच्चों वॉल्यूम यहां पे क्या होगा? ये देखिए, ये चीज जो हमारा है ना ये थिन होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है।
अगर ये एकदम थिन है, पतला है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई आराम से ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू और ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल पतली है ना, तो इसको वहां से उसको क्रॉस करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर ब्लड में दिया जा सकता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, थिन वॉल फॉर इजी डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को इजिली अंदर लिया जा सके और गैसेस एक्सचेंज किया जा सके, यानी कि O2 को अंदर लिया जा सके और CO2 को यहाँ से बाहर डाला जा सके। ठीक है ना, यानी गैस का एक्सचेंज हो सके और जो है डिफ्यूजन प्रोसेस भी आसानी से हो जाए, यानी कि गैस जो है ऑक्सीजन को जहां पहुंचना है वहां ऑक्सीजन पहुंच सके ब्लड में। ओके, तो देखिए दो कैरेक्टर हो गए। तीसरा कैरेक्टर क्या है कि सरफेस एरिया शुड बी कवर्ड बाय द ब्लड, और जो ये सरफेस एरिया, हमने कहा कि सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, ठीक है, और सरफेस एरिया के चारों तरफ बिल्कुल कवर होना चाहिए, क्या चीज, ब्लड। यहाँ पर ब्लड हमको यही चाहिए, बिल्कुल यही चाहिए ब्लड। ब्लड हमको यही क्यों चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन यही आ रहा है। ठीक है, तो हमको ऑक्सीजन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, जितने ऑक्सीजन आएंगे ना ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को फटाफट ब्लड में लेना है। तो अगर ब्लड यही रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन फटाफट से यहाँ पर गया और ब्लड में अवेलेबल है, कौन अवेलेबल है ब्लड में, ब्लड में RBCs रहेंगे, RBCs, ठीक है ना, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स ब्लड के अंदर अवेलेबल रहेंगे। और RBCs के अंदर क्या होता है, RBCs के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन, यानी कि HB होते हैं हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, चार ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4 चार ऑक्सीजन फटाफट इस यही पर, ब्लड यही है एकदम पास में, वहीं पर मौजूद है ब्लड का HB, है ना। तो HB ने क्या किया कि अपने सिर पर, ये HB है तो HB क्या करेगा कि अपने सिर पर फटाफट एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन को कैरी करेगा और लेकर के ये फटाफट से यहाँ से चला जाएगा। तो मतलब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन यहाँ आ सकते हैं और फटाफट उनको ब्लड क्या करेगा, यहाँ से ढोने का काम शुरू कर देगा, यानी कि ब्लड इनको ले जाकर के सेल तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो चारों तरफ से जो सरफेस एरिया है वो चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज से एकदम कवर होना चाहिए, और ब्लड कैपिलरीज और ये जो जिसमें ये गैसेस है, यानी कि जो एल्वियोलाई होता है, इन दोनों की वॉल इतनी थिन होनी चाहिए कि दोनों एक बस लगे, एक पतली सी एक वॉल है ना, दो नहीं है बल्कि एक ही पतली सी वॉल है, ताकि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आराम से पहुंच जाए। बस ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से लिया हीमोग्लोबिन ने, यानी कि RBCs ने लिया और इसको लेकर के फटाक से कहाँ पहुंचा दिए, उन्होंने सर तक पहुंचा दिए, काम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, अब ये कैरेक्टर जो मैंने अभी आपको बताया, जहां भी ये कैरेक्टर होगा उसको हम कहेंगे कि यस नाउ यू आर एबल टू डू प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ये ऑर्गन जो है ये कैपेबल है कि ये रेस्पिरेशन कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये तीन कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। पहला क्या, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा प्रोसेस होगा कि उसकी वॉल जो होगी वो थीन होनी चाहिए। और तीसरा क्या, चारों तरफ से वो ब्लड से घिरा होना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई ऑर्गन है तो वो आराम से रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर इसके लिए पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो रेस्पिरेटरी, अब यहाँ पर ये है वाइड कंटिन्यूअस, है ना, देखिए वाइड कंटिन्यूअस ब्रीदिंग नेसेसरी। ठीक है, कंटिन्यूअस हम ब्रीदिंग क्यों करते रहते हैं, हमेशा बार बार हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, कोई दूसरा सिस्टम क्यों नहीं है। ठीक है, दूसरा सिस्टम इसलिए नहीं है, हमको बार बार सांस लेना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ऑक्सीजन को, हमारे शरीर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम ऑक्सीजन को स्टोर करके रख सकें। ठीक है, कि ऑक्सीजन आया और उसको स्टोर कर लो और देर तक उसको यूज करते रहो। ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो हमने ऑक्सीजन लिया, तुरंत उसको यूज किया, फिर एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकालना है, फिर जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है उसको तुरंत शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। ऑक्सीजन को हम स्टोर नहीं कर सकते और कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर के अंदर रहेगा तो हमको नुकसान करेगा। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में स्टोर होता नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर कर नहीं सकते। ठीक है ना, वो ज्यादा देर तक करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो क्या करना पड़ेगा, लगातार एक्सचेंज करना होता है, इसलिए हमको कंटिन्यूअस ब्रीदिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बार बार हम सांस लेंगे और ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी लाइफ है। ठीक है, जीवन पर्यंत लाइफ, जहां तक लाइफ चलेगी तब तक हमको ये काम करना है कि हमको गैसेस अंदर लेना है, इनहेल गैसेस छोड़ना है, एक्सहेल, है ना, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ओके, देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक, अब मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें कि पूरा रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। उसके लिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, यानी कि एक रास्ता होता है।
ट्रेन चलती है ना, तो ट्रेन को चलने के लिए भी क्या होता है, एक रास्ता होता है ना, एक ट्रैक होता है कि अच्छा ठीक है तुमको यहीं से यहीं जाना है। तो रेस्पिरेशन के लिए भी जो इन्वायरमेंटल गैसेस हम लोग अंदर ले रहे हैं, वो इन्वायरमेंटल गैसेस कहां से होकर के फिर तुमको कहां जाना है, फिर तुमको कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है, और लास्ट तक कहां जाना है, उसको लंग्स तक जाना है। तो पूरा एक ट्रैक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक, बाय विच गैसेज इंटर इन टू द बॉडी, जिससे के द्वारा गैसेज जो है वो बॉडी में एंटर करते हैं एंड एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, और बाहर से वो शरीर के अंदर अंदर से उसको बाहर भी निकाल दिया जाता है। यानी कि इनहेल जब हम करते हैं तो ये गैसेज अंदर गए, अब उनका रास्ता एकदम तय है कि तुमको यही चलना है, जैसे ट्रेन का रास्ता एकदम तय होता है कि तुमको इसी ट्रैक पर भागना है, ठीक है, उसी तरीके से इनका भी एकदम तय है कि तुमको यहां यहां से होते 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 लंग्स तक जाना है, वापस फिर लंग्स से होते 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 तुमको बाहर आना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओके। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और दूसरा क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आते हैं, ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि ऊपर साइड में है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि नीचे के साइड में है उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है, नोज, सांस लेने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं, बट ये हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है, यह हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि यहां पर वो सारे कैरेक्टर्स, वो चीजें नहीं मिलेंगी, वो प्रोसेस यहां से मुंह से जब हम सांस लेंगे तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा जो कि यहां से सांस लेंगे तो होगा, ठीक है। जब यहां से सांस लेते हैं ना तो इस नोज के अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो कि मुंह से सांस लेने पर नहीं हो सकता है, तो इस वजह से हमको नुकसान हो सकता है, हमारे लंग्स को नुकसान हो सकता है, इसलिए नोज ही एक रास्ता बनाया गया, यही एक मशीन बनाई गई कि सांस आप किससे लीजिए, इससे आप खाना खाइए, ठीक है। तो नोज हो गया पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा, फर्स्ट है नोज और इसके अंदर की कैविटी, नेजल कैविटी। दूसरा इसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद आता है इपिग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस के ऊपर ही होता है एक कैप जैसा जिसको हम इपिग्लॉटिस कहते हैं, उसके बाद ग्लॉटिस के नीचे रहता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे रहता है ट्रैकिया, ठीक है। तो ये यहां तक ये हो गया हमारा अपर, है ना। अब ट्रैकिया जो है वो आगे जाकर के डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोस, ब्रोंकाई जो है ब्रोंकियोस में जाएगा, और ब्रोंकियोस जो है वो पहुंचता है लंग्स में, लंग्स के अंदर होते हैं बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। तो ये और इसमें एक आता है हमारा डायफ्राम भी आता है, ठीक है ना, डायफ्राम के ऊपर। तो ये सब क्या होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाएगा जो कि ऊपर के साइड में होता है, और ये क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जब हम सांस लेंगे ना तो गैसेस नोज से होते हुए, देखिए नोज से होते हुए कहां तक जाएंगी गैसेस, उनका रास्ता कहां तक होगा। ट्रेन स्टार्ट होती है नोज से, नोज के बाद नेजल कैविटी में जाएगी, फिर फैरिंग्स में जाएगी, ग्लॉटिस में जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए गैस पहुंचेगी कहां पर, इन्वायरमेंटल गैसेस पहुंचते हैं ब्रोंकस में, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोस में पहुंचेंगे, ठीक है, फिर लंग्स में जाएंगे, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में जाएंगे, और जैसे ये एल्वियोलाई में जाते हैं, एल्वियोलाई के बाद इनको ब्लड में ले लिया जाता है, ब्लड से ये पहुंचेंगे सेल के अंदर, और सेल के अंदर जाकर के क्या करेंगे, ये सेल के अंदर जाएंगे और सेल के अंदर जाकर के जो फूड मटेरियल है उनको तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तभी एनर्जी मिलेगी, ओके। तो ये पूरा इनका रास्ता होता है, यहां यहां से होकर के जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ऐसा नहीं है कि आपने गैस ले लिया और वो डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लंग्स जब हमारा होता है ये बहुत ही एक सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक है, बहुत नाजुक है, तो इस तक पहुंचाने के लिए गैसेस को बहुत सारे कॉम्पिटिशन को फाइट करके जाना पड़ता है कि क्या तुम लंग्स तक पहुंचने के लायक हो, क्या तुम लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो बहुत सारे रास्ते से गैसेस को गुजरना पड़ता है। तो एनवायरमेंटल गैसेस है ना, सबसे पहले उनका टेस्ट यहां होगा, ठीक है, फिर यहां के बाद यहां आगे 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 टेस्ट होते होते जब एकदम लगता है कि हाँ अब ये गैसेस एकदम काबिल है लंग्स तक जाने के लिए, तब इन गैसेस को लंग्स तक पहुंचाया जाता है, ओके। इसलिए ये इतना लंबा ट्रैक बनाया गया है, और इसमें एक हेल्प करता है, वो क्या है, रेस्पिरेटरी मसल्स होता है जो कि हेल्प करता है, ओके। तो बच्चों ये आज हमने सीखा, हमने क्या क्या सीखा कि रेस्पिरेशन क्यों जरूरी होता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है ना, फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करना यही रेस्पिरेशन कहलाता है, ओके। तो रेस्पिरेशन क्यों जरूरी होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी हम उनको कहेंगे कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ये कैरेक्टर रहेंगे ना, देन इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तब तुम कहलाओगे कि तुम रेस्पिरेशन के काबिल हो और तुम एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो। कोई भी शरीर का ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं बन सकता, ठीक है, जो कैरेक्टर इनके पास है वो कैरेक्टर दूसरे के पास नहीं है,
ओके। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि हम लगातार सांस क्यों लेते हैं, एक बार ही सांस ले लेते और दो चार दिन तक काम चल जाता है ना, तो उसका भी आंसर हमने देखा कि बार बार हमको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन हमारे अंदर स्टोर नहीं होता है इसलिए भी हम सांस लेते हैं लगातार। और दूसरी चीज की जो ये प्रोसेस होता है ब्रेन रॉन का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसको कि शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए बार बार हमारा सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेंगे ताकि हम ऑक्सीजन रिच एयर ले सके और सांस छोड़ना इससे जरूरी है ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकाल सके, इसलिए हम कंटिन्यू सांस लेते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन सा होता है, कहाँ कहाँ से गैसेस को जाते हुए और लास्ट फाइनली कहाँ तक पहुंचना होता है वो हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग है, नोज। आपको देखने में लग रहा होगा कि अच्छा ये छोटा सा नाक है, ठीक है, लेकिन हम इसका बहुत सारा स्ट्रक्चर देखेंगे बाहर से भी और अंदर से भी, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमको आंसर उनके मिलेंगे कि हमको स्मेल कैसे आती है, किसी चीज की खुशबू कैसे आती है, फ्रेग्रेंस हमको पता कैसे पड़ता है, जब हमको जुकाम होता है कोल्ड होता है तो फिर हमको स्मेल क्यों नहीं आती है, ठीक है, यहाँ से कोल्ड होता है तो नाक क्यों बहने लगती है, है ना, ये बहुत सारे यहाँ पर कैरेक्टर। इसके अंदर जो हेयर्स पाए जाते हैं इसके नोज के अंदर, वो हेयर्स क्यों पाए जाते हैं, हमको पसीना होता है तो यहाँ पर हमको ज्यादा पसीना क्यों होता है, स्वेटिंग हमको ज्यादा यहाँ पर, आप देखेंगे नाक के ऊपर बहुत सारे पसीने, यहाँ पे पसीने आ जाते हैं ना, ड्रॉप आ जाता है, ये यहाँ पर ही ज्यादा पसीना क्यों होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हमको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, ओके, हैव अ नाइस डे।